यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में 10 फरवरी को इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करने वाली है और इसके तहत जो भी तैयारियां हैं उनका काम शुरू हो चुका है। यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्टेट डेलीगेशन बहुत सारे मिनिस्ट्रियों से मिल चुका है, रोड शो भी ऑर्गेनाइज कर चुका है और अभी भी कुछ स्टेट्स में ऑर्गेनाइज होना बाकी है। पिछले मंडे को वाइस चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कर्नाटका बेस्ड फर्म उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 9 ऐसे डोमेस्टिक रोड शो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है 10 फरवरी तक, जिसमें से 7 कंप्लीट हो गए हैं और कुछ ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्फोसिस, ओला जैसी बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार हैं और उत्सुक हैं। इसके लिए इन्होंने मीटिंग भी कंप्लीट की है। इसके अलावा कर्नाटका चैम्बर के कॉमर्स प्रेसिडेंट बीवी गोपाला रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किसान क्राफ्ट रविंद्र अग्रवाल, वहीं इन्फोसिस के कॉरपोरेट अफेयर हेड संतोष और ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित सेवाकर्मानी और ग्रुप के सीईओ जीआर अरुण कुमार ने मीटिंग की डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। इसके अलावा अरुण कुमार मिश्रा जो कि एमडी और सीईओ हैं जैनासार एरोस्पेस एंड आईटी पीवीटी लिमिटेड, इन्होंने एरोस्पेस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को इच्छा जताई है। किसान क्राफ्ट भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करेगा और इसने कंफर्म कर दिया है कि ये पक्का निवेश करेगा। इसके अलावा और भी कई सारे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को उत्साहित हैं जो कि कर्नाटका के हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।